मसूरी देहरादून मार्ग पर देर रात दो पक्षों के बीच बिल भरने को लेकर जमकर मारपीट हुई। ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने रेस्टोरेंट मालिक पर ही फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि देर रात रेस्टोरेंट मालिक आयुष अपनी दुकान बंद करके दुकान के अंदर जन्मदिन मना रहा था, तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और खाना खाने के बाद बिल देने को लेकर विवाद करने लगे। इसी बीच एक युवक ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विवाद करने वालों में एक युवक का नाम अरुण शर्मा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। स्पीकर आए और उसने हमारी लाइट फोड़ दी, तो क्योंकि हम लोग दो तीन बच्चे थे तो हमने उस चीज़ का विरोध नहीं करा। हमने उसे बोला कि केवल आप हमारा बिल दे दीजिए और जाइए। इतने देर में वो बोलता है कि हाँ मैं अभी देता हूँ बिल, अभी देता हूँ, और इतनी देर में वो अपने साथियों को फ़ोन करता है। जैसे ही वो साथियों को फ़ोन करता है तो उनका एक साथी आकर गाली गलौज शुरू कर देता है और हाथापाई शुरू करने लगता है। जैसे हम उस चीज़ का विरोध थोड़ा करते हैं तो वो और साथी लोग हम पे टूट पड़ते हैं। इतनी देर में फिर जब हम भी अपनी तरफ से उनका बचाव करते हैं तो हम उन एक आदमी को पकड़ते हैं। तो जब हमने उनके एक साथी को पकड़ा होता है तो दूसरा साथी अपना हथियार निकालता है और बोलता है कि इसको छोड़। जब हम बोलते हैं इसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसने हमारे एक साथी को बहुत मारा कि हम नहीं छोड़ेंगे, तो वो हवा में एक फायर करता है। हाँ, ये मैगी पॉइंट जो ये कोलू खेत से नीचे को बने हैं, इनमें अक्सर झगड़े इत्यादि की सूचना आती रहती है और कल भी एक रात को झगड़े होने की सूचना है और जिसमें जांच की कार्रवाई चल रही है। अभी गोली चलने की कुछ लोग बात बता रहे हैं कि वहाँ दो तीन राउंड गोली चली थी, जांच कर रहे हैं, उसमें जो भी कानूनी कदम है वो उठाए जाएंगे उसके लिए। बिल्कुल, लगातार पूरे क्षेत्र में बाहरियों की एंट्री बढ़ती जा रही है और जो मामला सुनाई में आया है कि वहाँ हमारे एक दुकानदार हैं उसके साथ रात को मारपीट हुई है, उसके ऊपर फायर भी किया गया है। पुलिस ने दो तीन लोगों को पकड़ा गया है और उसमें जाँच चल रही है। हमारी मांग यही है कि मैगी पॉइंट के आसपास रात के समय पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए।